आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आरती सिन्हा, रीड रीडर इज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आजकल हम लोग लॉकडाउन के दौर से गुजर रहे हैं, तो फिर क्यों ना घर की महिलाएं कुछ स्पेशल डिशेज बनाना सीखें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम लोग बनाना चिकन झटपटी। तो फिर सबसे पहले हम लोग इसके इंग्रेडिएंट्स जान लें। तो सबसे पहले 1 kg चिकन, फ्रेश चिकन लेंगे हम। अनियन 3 पीस, ग्रीन चिलीज 5 पीस, गार्लिक 1 स्पून विथ जिंजर, जिंजर हम लोग 1 इंच लेंगे, मस्टर्ड ऑयल लेंगे 2 स्पून, टर्मेरिक 2 स्पून, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर लीफ लेंगे 50 ग्राम्स, टोमेटो 2 स्मॉल, और घी 2 और 3 स्पून, और किचन किंग मसाला तो सबके घर में ही होता है, तो फिर वो भी 1 टेबल स्पून लेंगे, और गरम मसाला 1 टेबल स्पून, और लास्ट में हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 अमूल फ्रेश क्रीम की। तो आप लोगों ने ये सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए होंगे, तो चलिए अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग चिकन को अच्छे से धो लेंगे और उसे किसी बर्तन में रख के उसके सारे पानी को निकलने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। लोग एक कढ़ाई लेंगे, नॉर्मल कढ़ाई, या फिर आपके पास अगर नॉन स्टिक है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। और उस कढ़ाई में हम 3 स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, और मस्टर्ड ऑयल जब तक अच्छे से गर्म ना हो जाए तब तक हम उसमें अनियन को नहीं डालेंगे। और जब वो मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर उसमें चॉप्ड अनियन और साथ में ग्रीन चिलीज को डालेंगे, और उसे थोड़ा लाल होने तक भूनेंगे, और जब देखेंगे कि वो थोड़ा रेडिश हो गया तो फिर उसमें हम लोग थोड़ा गार्लिक और जिंजर का जो पेस्ट हमने तैयार कर रखा है उसको डालेंगे, और थोड़ा उसे भी और थोड़ी देर भूनने देंगे। फिर उसके बाद उसमें हम लोग चिकन डालेंगे, जो हमने चिकन को धो के रखा है उसको डाल देंगे, और अब हमने जो टर्मरिक 2 स्पून रखा है वो उसको चिकन के साथ ही डालेंगे, और उसको भूनते जाएंगे, और देखेंगे कि चिकन से पानी निकलना स्टार्ट हो गया है तो उसे थोड़े हाई फ्लेम पे थोड़ा और भूनेंगे। भूनते में जब हम देखेंगे कि उसका पानी सूखने लगा है तो फिर उसमें हम लोग कसूरी मेथी डालेंगे। हमने जो टोमेटो को चॉप करके रखा है उसे भी हम कढ़ाई में डालेंगे, और उसे हाई फ्लेम पे भूनते रहेंगे। टोमेटो जब सॉफ्ट हो जाए तो उसमें हम किचन किंग जो हमने रखा है उसे डालेंगे, और साथ में गरम मसाला भी डालेंगे, और फ्लेम को थोड़ा लो करेंगे, और उसे थोड़ी देर के लिए उस पर लीड लगा के आप थोड़ी देर के लिए आप छोड़ सकते हो, विद इन 5 मिनट्स ओनली। 5 मिनट्स के बाद हम उसमें कोरिएंडर लीफ जो हमने चॉप करके रखा है उसको डालेंगे, और फिर उसे हम अच्छे से चलाएंगे, और फिर लास्ट में हम उसमें चिकन का एक खूबसूरत सा कलर आने लगेगा, तो फिर लास्ट में हम उसमें एक अमूल का, उसमें अमूल फ्रेश क्रीम 2 स्पून डालेंगे, और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद जब हम देखेंगे चिकन बहुत खूबसूरत सा कलर आ गया है तो उसे थोड़ी देर के लिए कम आंच पे फ्लेम पे आप छोड़ दोगे और उसे कवर कर दोगे। कवर करने के 2 मिनट के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे, और उससे लेट हटा कर 2 स्पून घी डालेंगे, प्योर घी है तो आप उसे यूज करो। उसके बाद जब हम देखेंगे चिकन का एक बहुत खूबसूरत सा कलर आया हुआ है, और उसकी एरोमा आपको बहुत बहुत ही टेम्पटिंग लगेगी, आई एम डैम श्योर। बहुत आसान ट्रिक चिकन झटपटी, तो ऐसे हम बना सकते हैं घर पे चिकन झटपटी।